नरेश गत सिंह के अंग्रेजी तारीख के अनुसार 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उमेद भवन पैलेस के बरादरी में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एट होम में शहर के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा एट होम में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों के अलावा राजनेता व जनप्रतिनिधियों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास व न्यायाधीश संदीप मेहता ने भी पूर्व नरेश को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रतिनिधियों में सूर सागर विधायक सूर्यकांत व्यास, लोनी विधायक महेंद्र बिश्नोई, पूर्व मंत्री व पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी एट होम कार्यक्रम में पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व नरेश के पत्नी में पुत्र या पोत्री भी इस एट होम कार्यक्रम में साथ रहे।
का प्यार है। और ये भी बात है कि मैं जब भी कोई विदेशी या बाहर से आते हैं तो मुझे कहते हैं कि आप आपके आपके सामने आपके लिए लोगों का बहुत प्रेम है, उनको बोलते हैं मुझे गर्व हो जाता है। हमारी परंपरा रही है मारवाड़ी की, मारवाड़ी के मेरे स्वयं हमेशा लोगों के पास रहे हैं, मुझे तो उनका स्वयं मिल रहा है। उनके बाद ही मुझे लोगों पर पैसा मिला, पहले तो उनका ही साथ अपने लिए हम लोग पकड़े जाते हैं। मैंने उनको कॉल किया था थोड़ा जॉब के लिए, ऑफिस वर्क के लिए मैं वहाँ गया। उसके बाद उन्होंने प्लस मेरे को ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने वर्क समझाया, पूरा काम की। हमारी जो संस्था है वो जो अगर कुछ लोग देती है समूह बना के तो जो लोग आना चाहते हैं समूह लोग देती है, आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपको फील्ड में जाके समझाना है, लोन के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने हैं, उस काम के लिए आवर्ती प्लस सब लोग आपके पास जिसके पास भी है और जाने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट है प्लस 300 रुपये दुकान जाके डिस्कशन के लिए।